या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुर्सलीन अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह اصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे कयामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। आमीन। मिलकर पढ़ते हैं सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और करिश्मंदी जाएंगे नाज़रीन प्रोग्राम में बच्चों की शाम जी प्रोग्राम बच्चों की शाम में एक बार फिर हाजिर हूं आप सबको इस प्रोग्राम बच्चों की शाम में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और किस्मती चाहिए नाज़रीन हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स होते हैं और हम बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिस सेगमेंट का नाम है तिलावते कुरआने पाक। बच्चों की शाम। माशाल्लाह आज हमारे साथ साद भाई मौजूद हैं जो कि हमें सूरतुल बुरूज की तिलावत सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं साद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। जी साद भाई आप हमें तिलावत शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों और किस्मत शेख नासी तिलावत कुरान पाक के आदाब में से है कि जहाँ पर तिलावत कुरान पाक हो वहाँ पर खामोशी होनी चाहिए, उसको तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। हाथों को बांध लीजिए, सरों को झुका लीजिए और आँखों को बंद कर लीजिए, इससे खूब तवज्जो भी रहेगी और इंशाल्लाह हम खामोशी के साथ तिलावत कुरान पाक को खूब कान लगा के सुनेंगे। जी साद भाई शुरू फरमाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم। माशाअल्लाह साद भाई अपनी तिलावत कुरान पाक की अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। अल्लाह पाक आपको बार बार हज़्ज़ बेतुल्लाह की साद नसीब फरमाए। प्यारे बच्चे और किस्मती चाहिए नाज़रीन तिलावत कुरान पाक के बाद हम करते हैं आपसे आज का सवाल। बच्चों की शाम।
मेरे बच्चे और किड्स बंदिश के नासीन, आज का सवाल क्या है मैं आपको बताता चलूँ। आज का सवाल ये है कि बताइए किड्स मदनी चैनल के किसी एक प्रोग्राम का नाम बताइए। माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो किड्स मदनी चैनल में होते हैं, आपने किसी भी एक प्रोग्राम का नाम बताना है। यार बच्चे और किड्स बंदिश के नासीन, आज का सवाल ये कि बताइए किड्स मदनी चैनल के किसी एक प्रोग्राम का नाम बताइए। किड्स मदनी चैनल के किसी एक प्रोग्राम का नाम बताइए। हम बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल नाज़रीन, माशाल्लाह हमारे साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए भी हमारे साथ एक नात खां होंगे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली अहमद। जी अली भाई माशाल्लाह, आप कैसे हैं? अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी अली भाई आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? आंखों का तारा नाम है। जी सुनाइए माशाल्लाह। आंखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद। आंखों का तारा नाम है मोहम्मद, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद। तो वैसे है आंखों का तारा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल का उजाला नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए,
अल्लाह पाक आपको बार बार हजबतुल्ला की सादे नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जान, जिस सेगमेंट का नाम गए इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शान सेगमेंट है इम्तिहान अकल का, सेगमेंट है इम्तिहान आपकी अकल का, और इसमें होते हैं सवाल और आप देते हैं उसके जवाब। चले दानियाल भाई रेडी हैं, आप सब रेडी हैं? जी। चले सवाल पूछूं? जी। चले पहला सवाल बताइए, थोड़ा सा मुश्किल है, बताइए अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह की ताला अली का मज़ार शरीफ पाकिस्तान में तो है, बताइए पाकिस्तान के किस शहर में है? अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह की ताला अली का मज़ार मुबारक पाकिस्तान में, मगर बताइए पाकिस्तान के किस शहर में है? चले इन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया था, इनको इनसे पूछते हैं। लाहौर में। अच्छा चले कोई और बताएगा? आप बताएं। कराची में। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमजान नजर तारी। जी माइक सीधा हाथ से लेना चाहिए और सीधा हाथ से देना चाहिए। चले आपने बताया कराची में, तो बताइए कराची में अगर है तो कौन से इलाके में, किस इलाके में है? चले और कोई सद भाई, आपका जवाब दुरुस्त है क्योंकि सवाल में यही था कि बताइए किस शहर में, कराची के इलाके क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह की ताला अली का मज़ार है, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी अगला सवाल बताइए, अजान पहले दी जाती है या इकामत? अजान पहले दी जाती है या इकामत? सबके हाथ खड़े हैं इस सवाल के जवाब में, चाहे इनको दें आपके बरा। अजान। जी आपका नाम क्या है? रजा। जी माइक ऑन है, आपका नाम क्या है? रजा, मोहम्मद रजा। और अजान पहले दी जाती है इकामत? इकामत नमाज के बाद। चले ये थोड़ा बता नहीं पा रहे, सवाल ये है कि बताइए अजान पहले दी जाती है इकामत, मतलब पहले अजान होती है या इकामत होती है? अजान। अजान दे रहा। चले और कोई, चले सुफियान भाई। अजान। अजान। ये थोड़ा घबराए मगर इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अगला सवाल बताइए, वो सहाबी बताइए वो कौन से सहाबी हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ रहे? बताइए वो कौन से सहाबी हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ रहे? चलें किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन से जो सवाल है वो भी दोहरा दूँ, सवाल ये कि बताइए किड्स मदनी चैनल के किसी एक प्रोग्राम का नाम बताइए। चलें चलें आप बताएँ, चलें बताएँ इनको दें, ये बताना चाह रहे हैं। चलें सवाल ये कि बताइए वो कौन से सहाबी हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा साथ रहे? उसैद भाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। तभी तो हम कहते हैं चार यार आने नबी, हज़रत सिद्दीक भी, हज़रत सिद्दीक भी, हज़रत सिद्दीक भी, हज़रत सिद्दीक भी, और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली, माशाल्लाह। उसैद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। ये भी देखें कि चार यारान नबी जन्नती जन्नती, और सबसे पहला नाम किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। जी माशाल्लाह क्या शान है इनकी भी, अल्लाह पाक इन पर रहमत हो और इनके सदके हमारी बिला हिसाब मगफरत हो। आमीन। जी अमीर अली सुन्नत इनके बारे में एक रिसाला भी लिखा है जिनका जिसका नाम है आशिक अकबर, ये भी आप ज़रूर मुताला कीजिए, इसको भी पढ़ें इंशाल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इश्क में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, माशाल्लाह। जी अगला सवाल बताइए, अगर एक बच्चा एक दिन में 35 बार पहला कलमा पढ़ता है, 35 टाइम्स पहला कलमा पढ़ता है, तो बताइए 3 दिन में कितने हो जाएंगे? अगर एक बच्चा एक दिन में 35 टाइम्स पहला कलमा पढ़ता है तो बताइए 3 दिन में कितने हो जाएंगे?
दानियाल भाई 95 सोच ले 95 और कोई? आपने तेजी से जवाब दिया, इनको माइक दे जरा, इनको माइक दे। 105 आपने तेजी से सवाल का जवाब दिया मगर आपने कैलकुलेशन सही नहीं की। और कोई बताना चाहेगा इनका जवाब भी दुरुस्त है कि नहीं? चले उसद भाई 105 जी 105। और आपका नाम क्या? जी अदील भाई। अली रजा माशाल्लाह। और अली रजा भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। आपने कैलकुलेशन में आगे पीछे कर दी है, कैलकुलेशन आगे पीछे हो गई। चलें होता है माशाल्लाह, इन्होंने कोशिश तो की। चलें अगला सवाल बताइए, जन्नत में कौन सी जबान बोली जाएगी? जन्नत में कौन सी जबान होगी? चल इनको दे। अरबी। आपका नाम क्या? मोहम्मद महराज रजा तारी। इन्होंने अरबी माशाल्लाह इन्होंने बड़े अच्छे तलफ़ुस में और सही तलफ़ुस में बोला है। और इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। हमारा मदनी मकसद क्या हो गया? किड्स मदनी चाहेंगे किसी एक प्रोग्राम का नाम बताइए। चल कौन प्ले करें? मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत पसंद है। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है आए नमाज सीखें। जिला कल्लाहु खैरा। माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो किड्स मंदी चैम आते हैं, इन्होंने भी नाम दिया। इंशाल्लाह प्रोग्राम गाइड में बहुत सारे हैं तो क्या बोला जाए, इनका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। जी नेक्स्ट सवाल। आपके आज के सवाल का जवाब यह है जगमग काले प्रोग्राम। जी माशाल्लाह किड्स मंदी चैम में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं तो ये भी एक प्रोग्राम का नाम है, आप ज़रूर देखें। हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन ये प्रोग्राम आता है और इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। जी नेक्स्ट सवाल। मेरा नाम नी शर्मा है। मेरा नाम नूर इकरा है। आज हम आपको अपना मदनी मकसद सुनाएंगे। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। अलसवजल मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला जहा है। मैं न्यू कॉलोनी चश्मा से बात कर रहा हूँ। रमजान भाई आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके सवाल का जवाब है जगमग तारे। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह इन्होंने भी सवाल का जवाब दिया माशाल्लाह, इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल मदनी तारी है। मैं डेरा इस्माइल खान और नवेला से बात कर रहा हूँ। रमजान भाई मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा बच्चों की शाम। जज़ाकअल्लाह खैरा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह ये भी हमारा ही प्रोग्राम है और जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह बच्चों की शाम है और इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मुस्तकी मंजूर है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है बच्चों की शाम। जी माशाल्लाह आपने भी सवाल का जवाब दिया माशाल्लाह, इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी जाएंगे नाजीन, हम बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की जानिब जिस सेगमेंट का नाम है अतारो आले अतार। बच्चों की शाम।
माशाल्लाह प्यारे बच्चे और किड्स बंदी चाहिए नाजीन, आपने एक क्लिप देखा तार वाले तार, और ये था जानशीन अमीर अली सुन्नत दावत बरकातुम लाड़ी के घर। कोरोना वायरस वबा जो है उससे हिफाजत के लिए अजान दी गई, अमीर अली सुन्नत ने माशाल्लाह अजान दी। आप भी अपने घरों में रोज़ अजान दीजिए। प्यारे बच्चे और किड्स बंदी चाहिए नाजीन, सवाल ये कि बताइए किड्स बंदी चाहिए किसी भी एक प्रोग्राम का नाम बताइए। आए बढ़ते हैं हम अगले सेगमेंट की जानिब। सेगमेंट का नाम है वेलकम है बच्चों की शाम। एक मिनट है, वक्त कम है, माशाल्लाह हमारे साथ दानियल भी आ जाए। और अब चले आपके पास माइक नहीं, आप यहाँ पे खड़े हो, मैं आप यहाँ पे आ जाए दानियल भाई की तरफ, ताकि उनको आसानी हो। चले माशाल्लाह सेगमेंट है वक्त कम है, और इसमें होते हैं क्या होता है दानियल भाई, आप तो माशाल्लाह आते रहते हैं, बताइए कुछ। दस तस्वीरें दिखा, माइक में बताए ना, हमको दस तस्वीरें दिखाते हैं, फिर हम फिर नहीं दिखाते, फिर जब हमको जितनी याद होती है उतना सुनाते हैं। बिल्कुल यही होता है कि आपको पहले दस तस्वीरें दिखाते हैं, और उसके बाद जी आप इधर आ जाएँ, थोड़ा सा करीब आ जाएँ। चलें माशाल्लाह आपको दस तस्वीरें दिखाएंगे इंशाल्लाह, फिर आपसे पूछेंगे कि आपको कितनी याद हुई, और जिसने ज़्यादा बताई वो इस सेगमेंट का विनर होगा, और उसको तोहफा भी मिलेगा। चलें चलें शुरू किससे करें, दानियल भाई आपसे करें या आपसे करें? चलें दानियल भाई, माशाल्लाह बार बार आते रहते हैं, चलें दानियल भाई से करते हैं। दानियल भाई के लिए तस्वीरें दिखाएं, आला हजरत के मज़ार का गुम्बद शरीफ, इंजीर, अरफात का मैदान, इतर, फ़ज़ाने मदीना का गुम्बद, गारे हिरा, गारे सौर, तस्बीह, गुम्बद मज़ार गौस पाक, मदीना शरीफ, मस्जिद नबी का गुम्बद। चल जी मदीना शरीफ, मदीना, फैजान मदीना, फैजान मदीना का गुम्बद, चलें गारे सौर, गारे सौर, गारे हिरा, गारे हिरा, इंजीर, इंजीर, इतर, इतर, इन्होंने छह तो बता दिया, अब आगे बढ़े। गौस पाक का मज़ार, गौस पाक के मज़ार का गुम्बद, चले सात, तीन मस्जिद, चले दानियल भाई को देंगे थोड़ा टाइम सोचने के लिए, और लेंगे एक कॉल। मैं गुजरांवाला से बात कर रही हूँ, आपके सवाल का जवाब है जगमग तारे। जी आपने सवाल का जवाब दिया माशाल्लाह, आपका सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी दानियल भाई। काउंटडाउन शुरू करते हैं, क्योंकि सेगमेंट का नाम क्या, कम कम है। चले टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, और टाइम अप। इन्होंने तीन नहीं बताए, आला हज़रत का मज़ार का गुम्बद शरीफ, अरफात का मैदान, और तस्बीह। चल प्यारे बच्चे और किस्मत दीजिए नाज़रीन, दानियल भाई ने तस्वीरें सात बताई, और इनको जीतने के लिए टारगेट है आठ का। चलें आपके लिए तस्वीरें दिखाएं जी, चलें तस्वीरें दिखाएं। हजर अस्वद, हतीम, इमाम शरीफ, जन्नतुल बकी, बाबे काबा, काबा शरीफ, हजूर, मकाम इब्राहिम, मस्जिद अक्सा, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। चलें जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी, काबा शरीफ, काबा शरीफ, दो बच्चों की शान,
चीज सोचे। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा तीन बताया ना जाए। चल जी चल, आपको मौका देंगे सोचने का, जैसा हमने दानियल भाई को दिया था। और लेंगे एक कॉल। मेरा नाम दुआ है, मैं शाह जाने से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम प्रत्यक्ष बहुत और बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको मदानी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की शक्ति कोशिश करनी है। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल जी। चले कुछ याद आया? चले आपको मजीद चांस देंगे और दोहराएंगे मदनी मकसद। हमारा मदनी मकसद क्या आ गया? जय अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाम की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। जल माशाल्लाह। और अब काउंटडाउन शुरू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और इसी के साथ वक्त हुआ इख्तिताम और मुकाबला जीते हमारे दानियल भाई। माशाल्लाह दानियल भाई विनर। और माशाल्लाह आप दोनों तशरीफ रखिए प्यारे बच्चे। नाज़रीन आप बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, क्योंकि अब सेगमेंट था वक्त कम है। और इसमें हमारे साथ आज दानियल भाई थे। और आपका नाम क्या? जी रमजान भाई माशाल्लाह। और हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है हमारे बच्चे। बच्चों की शाम। मेरा नाम दुआ है, मैं शतजाने से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगी। मेरा नाम शाह अमन अत्तारी है, मैं शाहपुर जहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको सिंधी में और उर्दू में मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। मुख्य पंजी आए सजे दुनिया जी मुसलमानन के सुधारण जी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला। बेबी नू ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हब्बी हब्बी जल्लाह माफ़ वले बेगे उल्लाह नूर महम्मद सल्ले अला ला इलाहा। फातिमा तारिया मिन चेनाबास से मैं आज नारे लगाऊंगी। ऐ सहाबी ऐ नबी जन्नती जन्नती चार यारा ने नबी जन्नती हर साहब ये नबी और उमर फारूक भी जन्नती। उस्मान ने वनी
माशाल्लाह प्यारे बच्चे और करिश्मंदी चंगी नाज़िन सेगमेंट था क्या नाम था जी हमारे बच्चे और इसमें माशाल्लाह काफ़ी सारी वीडियोस आज शामिल की। माशाल्लाह कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनको जो हमें कॉल्स करते रहते थे और हमने उनसे गुजारिश की कि आप हमें वीडियो बना के भी सेंड करें और उन्होंने वीडियो बना के सेंड की तो हमने उनकी वीडियो को भी शामिल करने की कोशिश की और कुछ की शामिल नहीं हो भाई तो आप हमें दोबारा बना के भेजें इंशाल्लाह ज़रूर अगर मुमकिन हुआ तो शामिल करेंगे प्यारे बच्चे और करिश्मंदी चंगी नाज़िन
माशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठा मदीना दिखाए, अल्लाह पाक इन सबको भी बार बार मीठा मदीना दिखाए। प्यारे बच्चे और किड्स मदनी के नाज़रीन, सवाल ये है किड्स मदनी चैनल के किसी एक प्रोग्राम का नाम बताइए। कुछ कॉल्स आई भी हैं, चलें शामिल करते हैं। मैं आज के सवाल का जवाब दूंगी जस्ट मख्तार जी। आपने सवाल का जवाब दिया, इंशाल्लाह प्रोग्राम गाइड में दुरुस्त जवाब तो दोहराएंगे नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद रजा है, आज के सवाल का जवाब इस्लाम फॉर किड्स है। माशाल्लाह इनका जवाब भी दुरुस्त है जी। नेक्स्ट कॉल। रमजान भाई हमें आपका प्रोग्राम बच्चों के शाम बहुत अच्छा लगता है, आज हम नारे लगाएंगे माशाल्लाह इन्होंने नारे लगाए हर सवाब ये नबी जी। नेक्स्ट कॉल। आज आपको एक प्यारा सा कलाम सुनाऊंगी। ओ साफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न जरा का कोई नहीं। माशाल्लाह और साफ तो सब ने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं। माशाल्लाह आप हमें वीडियो बना के भी सेंड करें, इंशाल्लाह अगर मुमकिन हुआ तो शामिल करेंगे जी। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ मोहम्मद रिहान गुजरात से। रमजान भाई कैसे हैं? आपके सवाल का जवाब है बच्चों की शाम जिंदाबाद जी। माशाल्लाह आपने सवाल का जवाब दिया और आपके सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको आपके प्रोग्राम का टाइटल सॉन्ग सुनाऊंगा। सुबह को जब हम उठे तो सबा पे हो नाम तेरा, या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना होता नाम, बच्चों की शाम पिता का लाए खड़ा। माशाल्लाह आपके मीनिंग्स कुछ हुई है मगर कुछ वर्ड्स आपने आगे पीछे कर दिए। सुबह को जब हम नींद से जागे ज़बा पे हो तेरा नाम, या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम पुलिस फातिमा है, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है इस्लाम फॉर किड्स, बच्चों की शाम जिंदाबाद। माशाल्लाह आपने सवाल का जवाब दिया और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। नेक्स्ट कॉल। हमारे प्यारे प्यारे रमजान भाई, मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी। मैं हूँ इमरान अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तो सा शरीर से। आपके सवाल का जवाब ये है बच्चों की शाम सुबह को जब हम नींद से जागे ज़बा पे हो तेरा नाम, चाल तेरे जिक्र से ही दिन अपना माशाल्लाह। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जितने भी लाइव होते हैं हमारे, जैसे इस्लाम फॉर किड्स, मेरा प्यारा दीन, बच्चों की शाम और माशाल्लाह रेगुलर कॉल करते हैं माशाल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स बनते चाहिए नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। जिस सेगमेंट का नाम है बात है इश्क रसूल की, बच्चों की शाम। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال جی سعد بھائی۔ پیارے بچوں، ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ تمام لوگوں سے زیادہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اور ساری دنیا کی پسندیدہ چیزوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیں۔ چلے آئیں میں آپ کو اسی بات کے ریلیٹڈ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ جان حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک بار
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम, एक वक्त था कि मैं चाहती थी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के घर के अलावा दुनिया भर में किसी का मकान ना गिरे, मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम, अब मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया में किसी का मकान रहे या ना रहे, मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकान ज़रूर सलामत रहे। इसके बाद प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं इसके नज़दीक इसकी जान से भी ज़्यादा पसंदीदा ना हो जाऊँ। प्यारे बच्चों, देखा आपने, जब वो जन्नती सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान ले आई तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत इन्हें अल्लाह पाक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से थी। और एक मुसलमान के लिए ये बहुत ज़रूरी ही बात है कि वो अल्लाह पाक और इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हो जाए। अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला। अच्छा, अब आपने एक हदीस पाक यहाँ पे पढ़ी थी, वो दोबारा पढ़ दें, और इसमें इस वक्त तक नहीं उस वक्त तक है। चलो दोबारा पढ़ दें। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी इस उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं इसके नज़दीक इसकी जान से भी ज़्यादा पसंदीदा ना हो जाऊँ। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की गुलामी में मौत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, और किस्मत दीजिए कि नाज़रीन आए नारे लगाते हैं, हर सगाबिये नबी सेगमेंट की जानिब से। सेगमेंट का नाम क्या है? आए वाक्य सुने बच्चों की शान। जी सुफियान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सुफियान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी सुफियान। प्यारे बच्चों और कृष्ण मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम एक बुज़ुर्ग का वाक़या सुनेंगे जिनका नाम था हज़रत जरीर बिन हतीजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। प्यारे बच्चों, जब इन बुज़ुर्ग का इंतकाल हो गया तो किसी जानने वाले ने आप रहमतुल्लाहि अलैह को ख्वाब में देखा और पूछा, मा फ़अल बिका रब्बुक, यानी आपके रब ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। तो बच्चों, इन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि अलैह ने जवाब दिया, अल्लाह पाक ने मुझे बख्श दिया। ख्वाब देखने वाले ने पूछा, किस वजह से? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, इस तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहने की वजह से जो मैंने जंगल में कही थी। सुभान अल्लाह। तो देखा प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के जिक्र की कैसी बरकतें हैं। तो हमें भी चलते फिरते अल्लाह पाक का जिक्र करते रहना चाहिए, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, कभी सुभान अल्लाह, तो कभी अल्लाहु अकबर पढ़ लें। इंशाअल्लाह इसकी भी खूब बरकतें हमें भी नसीब होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक की इन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान भाई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखा। प्यारे बच्चे और किस्मत दीजिए कि नाज़रीन, इन्होंने बहुत अच्छा वाक्य सुनाया, हमें भी चाहिए कि हम उठते बैठते अल्लाह पाक का जिक्र करें, और जो अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ऐसे वर्ड्स बोलते हैं तो उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है, माशाल्लाह। प्यारे बच्चे और किड्स बनने चाहिए नाज़रीन, आए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद वसत आरी है, मैं जिला रिमिया का से अर्ज़ कर रहा हूँ। आज आपके सवाल का जवाब है मेरा प्यारा दीन किड्स मदनी चैनल। हमारा मदनी चैनल, माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल।
मेरा नाम अदील सादिक है, मैं लाहौर शहर से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नारे सुनाऊंगा, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सहाबियत भी जन्नती जन्नती, चार यारा ने नबी जन्नती जन्नती। जी माशाल्लाह जी, नेक्स्ट सवाल। मेरा नाम उमेर अरमन अरसलान है, आज के सवाल का जवाब है मरियम की बात है। जी माशाल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मरियम फातिमा है, मैं अरब शरीफ से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। आज के सवाल का जवाब जगमग तारे है। जज़ाकअल्लाह खैर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। मैं लाहौर शहर से बात कर रहा हूँ, आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है, इस्लाम फॉर के बच्चों की शाम जिंदाबाद, मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चाहेंगे नाजीन, जिन जिन बच्चों ने सवाल का जवाब दिया उन सब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि किड्स मंदी चाहे में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं और आप चाहें हमारे तमाम के तमाम प्रोग्राम्स देखना तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है किड्स मदीन चैनल। आप अभी जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, उसमें हमारे तमाम के तमाम प्रोग्राम्स मौजूद हैं और इंशाल्लाह रज़ुल बकरीद में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आने हैं, आप देखते रहें हमें। माशाल्लाह प्यारे बच्चे और किड्स मदीन के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना।